नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, 10वी इंग्लिश मीडियमचे विद्यार्थी, या अभंगाचा तिसरा पाठ आपण घेतो आहे। याच्या आधी मी पहिल्या दोन म्हणजे अग्नि माझी पडे बाळूचा पहिला पाठ केला आहे, दुसरा दिलेला आहे सवेची झेपावे पक्षिणी। तुम्हाला सरळ लिहिता यावं म्हणून देते आहे। और उसके साथ साथ थर्ड यानी फिफ्थ और सिक्स जो काव्य पंक्ति है और उसका सीधा अर्थ जो है वो थर्ड पार्ट है। इसके पहले के जो वीडियोज़ है उसमें फुल पोयम पहले दी हुई है, स्टांजा के अनुसार क्वेश्चन आंसर भी मैंने दिए हैं खुद निकाल के, और उसके साथ साथ उसका फ़ायदा आप लोगों को होगा ही, वो भी वीडियो देखो। तो संतवाणी अ अंकिलामी दाससुद तुझा, इसमें संत नामदेव जी की ये रचना है। अभी हर काव्य पंक्ति या रसग्रहण जो है इसमें आप हर तरह की प्रस्तावना लिख सकते हो, ब्रीफ क्वेश्चन भी आपको आते हैं तो वहाँ पे भी आप अलग तरह की प्रस्तावना लिखना जरूरी है स्टार्टिंग में। तो अभी देखो मैंने पहले लिखा है वारकरी संप्रदाय से थोर संत कवि, अभी यहाँ लिखा है पंजाब पर्यंत भागवत धर्माची पताका पडकविणारे, यानी भागवत धर्म हिंदू धर्म वारकरी संप्रदाय पंजाब तक यानी ले जाने वाले, उन्हें उसकी यानी पंजाब में भी भागवत धर्म है, हिंदू धर्म है या क्या बोलते वारकरी संप्रदाय है, ये लोगों को समझना चाहिए। इस मायने पंजाब तक ये संत नामदेव जी लेके गए हैं। तो इनका अंकिलामी दास तुझा हा भंग है। अभी आपको यदि ये सब लिखना नहीं आया तो आप खाली वारकरी संप्रदायाचे थोर संत कवि संत नामदेव लिखो, या अंकिलामी दास तुझा इस अभंग के रचनाकार संत नामदेव जी है ऐसे लिखो, संत नामदेव आहेत असं लिहा। या अभंगात संत नामदेवांनी अनेक दृष्टांतातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। फर्स्ट में क्या किया है, माँ और बच्चे के बारे में बताया है। थर्ड में दिया है कि पक्षी और पक्षी का पिल्ला यानी छोटा बच्चा पिल्लू, गैया और उसका बछड़ा ये दिए हैं। और अभी इसमें देखो कैसे दिए हैं, वड़वा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरणी, यानी वणवा, वणवा यानी आग, वनवा पेटले। आप देखो धूप काले में जब धूप बहुत हो जाता है समर में तब अपने अपने इतना सा माचिस के ठींगी, उसे मराठी में बोलेंगे माचिस भी ऐसे लगा दी या कुछ, तो भी पूरा जंगल आग से यानी आग के जकड़ में आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे हरिण यानी डियर रानात आग लग रही, वणवा लागला से वनी यानी रान, वणवा लागला से वनी पाड़स चिंतित हरिणी, पाड़स यानी उसका बछड़ा हरने का, रानात आग लगली है, वणवा पेटला है, सरळ अर्थ लिहिताना जरी तुम्ही म्हटलं वनी म्हणजे लक्षात आलं पाहिजे वनात आग लगली है, वणवा म्हणजे आग, हरणी पाडसासाठी चिंतित आहे काळजीत आहे, त्यात आपले पाडस सापडले तर नाही ना, यानी ओ जो आग है उसमें मेरा जो छोटा बच्चा है पिल्लू जो है वो तो गया नहीं, ऐसी ऐसा डाउट हरिणी को आ जाता है, डियर को आ जाता है। अशी शंका हरिणीच्या मनात येते आणि ती कशी होते, अधीर होते, व्याकुळ होऊन जाते। सेकंड, नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक तैसा। अभी यहाँ पे कवी संत कवी नामा यानी कौन, नामदेव जी महाराज, ज्याप्रमाणे काल्पनिक चातक पक्षी पावसाच्या पाण्याविना जगू शकत नाही
तसेच हे विठ्ठला, मी तुझ्या विना कसा जगू. आता इथे हे लिहिण्याची गरज नाही आहे, पण ज्याप्रमाणे चातक पक्षी पावसाच्या पाण्याविना जगू शकत नाही, तसे हे विठ्ठला मी तुझ्या विना कसा जगू. मेघा जैसे म्हणजे काळ्या ढगांचे मेघ, तो पाण्याने भरलेला मेघ तूच आहेस, म्हणजे चातक पक्षी या पाण्याविना जगू शकत नाही, तसा माझ्यासाठी सुद्धा तू कोण आहे, तो पावसाचा मेघ तू माझ्यासाठी आहेस. तेव्हा मी तुझ्या विना कसा जगू, माझे जीवन तूच सांभाळ. नाही, यहाँ पे संत कवि नामदेव जी क्या कहते हैं कि जिस तरह जंगल को आग लग जाती है, पूरा जकड़ लेती है, तब हरिण जो है, डियर जो है, उसे लगता है कि मेरा बछड़ा उसी में गिरा हुआ है. वो कैसे हो जाती है, बेभान हो जाती है, उसके लिए वो तड़पती है. इसी तरह जैसे चातक पक्षी जो है वो पानी मेघ से आए हुए पानी के बिना नहीं रह सकता, वैसे हे विठू मावली मैं आपके बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो जो मेघ है वो आप ही हो, इसलिए मैं आपके बिना नहीं रह पाता. तब मेरा जो जीवन है उसका रक्षण आप ही करो. या संसार रूपी भवसागरातून तारून जाण्यास तू माझ्यावर कृपा कर, अशी प्रार्थना. एक तो आप प्रार्थना लिखो या अशी याचना, दो में से एक वर्ड लिखो. संत कवि नामदेव महाराज विठू माऊली के तरफ कर रहे हैं, या संसार रूपी भवसागरातून तारून जाण्यास तू माझ्यावर कृपा कर, अशी प्रार्थना अशी याचना संत कवी नामदेव महाराज विठू माऊलीकडे करतात. तर आपले तिन्ही स्टांजा झालेले आहे, मीन्स 1-2 फर्स्ट सेकंड अँड थर्ड अँड थर्ड अँड फोर्थ अँड फिफ्थ अँड सेम. सो विद्यार्थी मित्रांनो, लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आणलात तर कॉल करा.